हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और मैं स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे बहुत ही इजीली अपने नियर बाय रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको स्विगी और जोमेटो ऐप से खाना ऑर्डर करके बताऊंगा कि किस तरीके से खाने का ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं कि खाना कैसे ऑर्डर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से स्विगी और जोमेटो इन दोनों ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं इन दोनों ही ऐप के ज़रिए आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि कैसे स्विगी और जोमेटो ऐप से ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो सबसे पहले स्विगी ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको सेट डिलीवरी लोकेशन लिखा दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन को बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म लोकेशन पे जाइए। लोकेशन कंफर्म करने के बाद आपके सामने स्विगी ऐप का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अलग अलग रेस्टोरेंट की कैटेगरीज देख सकते हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करके वहाँ से डिश के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ नीचे की तरफ आपको एक सर्च का आइकॉन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको जिस भी डिश के लिए आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, आप चाहे तो रेस्टोरेंट का नाम टाइप कर सकते हैं या फिर किसी डिश का नाम टाइप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं किसी नॉर्थ इंडियन डिश के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा नॉर्थ इंडियन। टाइप करने के बाद ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने नॉर्थ इंडियन टाइप किया था, तो नॉर्थ इंडियन डिश के सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे शो कर गए हैं। तो चलिए हम फर्स्ट वाले रेस्टोरेंट से ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके लिए इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपने जो भी रेस्टोरेंट सिलेक्ट किया था उसकी अलग अलग डिशेज यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ फर्स्ट नंबर पर जो डिश है उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर ऐड पर जाऊँगा। ऐड पे जाने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, हाफ़ या फुल, यानी आप हाफ़ प्लेट के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं या फुल प्लेट के लिए। तो मान लीजिए मैं हाफ़ के लिए ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो इसको हाफ़ पे ही रहने देता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ ऐड आइटम पे क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो ये आइटम आपके कार्ट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर व्यू कार्ट में जाके अपने डिश को देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से प्लस के आइकॉन पर जाके उसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे रिपीट कर दीजिए। जैसे ही आप रिपीट करेंगे यहाँ पे क्वांटिटी 1 से 2 हो जाएगी। तो चलिए हम इसको 1 पे ही रहने देते हैं। 1 का मतलब है एक प्लेट, और अगर आप इसकी क्वांटिटी डबल करना चाहते हैं तो यहाँ से प्लस के आइकॉन पे जाके उसको डबल भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ नीचे की तरफ जाना है। अब यहाँ पर आपको आपका टोटल अमाउंट शो कर जाएगा, यानी जितने भी पैसे आपको अपनी डिश के लिए पे करने हैं। अब यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अलग अलग कूपन्स दिखाई देंगे। आप इनमें से किसी भी कूपन को सिलेक्ट करके अपने डिश पे डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम इसको बैक कर देते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप जैसे ही एंटर करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ सिलेक्ट एड्रेस पे जाना है। अगर आपने पहले से ही एड्रेस टाइप करके रखा है तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ लेफ़्ट साइड में ऐड एड्रेस पे जाके आप अपना एड्रेस ऐड कर लीजिए। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे एड्रेस को ऐड कर रखा है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट एड्रेस पे जाऊँगा।
और यहाँ से अपना एड्रेस सिलेक्ट कर लूँगा। एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट शो करेगा और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे ओके करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको आई अंडरस्टैंड प्रोसीड विद ऑर्डर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पेमेंट के लिए अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि अमेज़ॉन पे, पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक और फ्रीचार्ज। आप चाहें तो इन सभी के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते, आप कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि जब डिश आपके घर पे पहुंच जाए आप उस समय पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे और सबसे नीचे की तरफ जाने के बाद आपको यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिखाई देगा। इस समय इस रेस्टोरेंट पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको अभी सिलेक्ट करके नहीं बता सकता। आपके सामने आप कोई अलग रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे इस पे ओके करेंगे, आप कैश ऑन डिलीवरी को ओके कर दीजिए और उसके बाद ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप उसको एक मिनट के अंदर अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 60 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर उस 60 सेकंड में आप ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज आपको वो ऑर्डर रिसीव करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब Zomato ऐप को ओपन करके वहाँ से कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाता है ये देखते हैं। उसके लिए Zomato ऐप को ओपन करेंगे। Zomato ऐप ओपन करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से या फिर अपने गूगल अकाउंट से उसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये Zomato का होम पेज है। हम फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे हम अलग अलग रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जैसे हमने स्विगी में ट्राई किया था, सर्च बॉक्स में जाके आप अपनी डिश को भी टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम इस धन्ने दी हट्टी इस नाम के रेस्टोरेंट से हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए इसको ओके करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जैसे कि स्विगी में भी ओपन हुआ था। सेम उसी तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए हम इस ऑर्डर आइटम के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से यहाँ पे ऐड पे जाएंगे और ऐड पे जाने के बाद वो आइटम आपके कार्ट में ऐड हो जाएगी और फिर से व्यू कार्ट में जाएंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे कि हमने स्विगी में देखा था। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोमो कोड भी दिखाई देंगे। उसके लिए आप यहाँ पे व्यू ऑफर्स में जाके अलग अलग डिस्काउंट कूपन देख सकते हैं और यहाँ पे उस डिस्काउंट कूपन को आप ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बैक चलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे जाना है और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग पेमेंट ऑप्शन दिखाई देंगे। आप चाहें तो क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं या UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे की तरफ कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी दिखाई देगा। आप चाहें तो कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि डिश जब आपके घर पे आ जाए आप उस समय पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान यहाँ पे ज़रूर रखिएगा, आप स्विगी में एक मिनट के अंदर अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन Zomato में ऑर्डर कैंसिलेशन की सुविधा नहीं है। तो एक बार आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आप उसके बाद उसको कैंसिल नहीं कर सकते, जबकि आप स्विगी ऐप में 60 सेकंड के अंदर यानी एक मिनट के अंदर ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।